नमस्कार, मैं प्रज्ञा सिंह आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आप सबको श्रावण मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आज श्रावण मास के पहले सोमवार पे हम जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले कुछ देखते हैं मेंटल लेवल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे भगवान शंकर के बारे में। चलिए पहले डिस्कस करते हैं हम शंकर भगवान के ऊपर। यदि आप पर्सनालिटी शंकर भगवान की यहाँ पर देखें तो आप क्या देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यदि आप सबसे ऊपर सबसे पहले जटाओं पर जाते हैं शंकर भगवान की, तो आपको यहाँ पे गंगा जी मिलते हैं, यानी जल मिलता है, एक शीतलता की पहचान मिलती है। लेकिन उसी के आगे यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे भगवान की तीसरी नेत्र दिखती है, जिसमें से क्रोध प्रकट होता है। शंकर भगवान के स्वरूप में देखिए जल है, एक तरफ शीतलता है, दूसरी तरफ क्रोध है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों साथ साथ हैं। उसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए गले में उनके सर्प है, सर्प है, ध्यान दीजिए। लेकिन और आगे बढ़ते हैं तो कार्तिकेय जी इनकी गोद में बैठे हुए, जिनका वाहन मोर है। सर्प और मोर दोनों की दोस्ती पॉसिबल ही, लेकिन सब साथ साथ रहते हैं। और थोड़ा देखते हैं तो शंकर भगवान के साथ माता जी शोभित रहती हैं। शंकर भगवान की सवारी नंदी बैल और माता जी की सवारी शेर। शेर और बैल कभी साथ में नहीं रह सकते, लेकिन जहाँ पे हम ये देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें, यहाँ पे कोई साथ में नहीं रह सकता, सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी सब एक दूसरे के अपोजिट है, सब एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। इतने सारी विपरीत परिस्थितियों में भी शांति है, भगवान शांत मन से रमे रहते हैं, भगवान शांत मन से रमे रहते हैं। इतनी विषम परिस्थितियां शंकर भगवान के साथ जो हमें देखने मिलती है उनके रूप में, उसके बाद भी क्या शंकर भगवान को आपने कभी टेंशन में देखा? क्या कभी ऐसी कोई प्रतिमा या ऐसा कोई चित्र जिसमें शंकर भगवान टेंशन में हो? नहीं। शंकर भगवान की ये चीज हमें सिखाती है, लाइफ में सम विषम अच्छी बुरी सब परिस्थितियां साथ में चलती हैं। यदि ये नहीं है तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती। लाइफ में चैलेंजेस, खुशियां, दुख सब कुछ आता रहता है, सब साथ में चलता है। उसके बावजूद भी आपको हमेशा अपने काम में रमे रहना है, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, इन सबको साथ में लेकर ही आपको चलना है, इन सबको साथ में लेकर ही आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है। तो यही सारी चीजें आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पार्ट टू में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं पार्ट वन में हमने रतन टाटा साहब के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में समझा था कि कैसी उनकी पर्सनालिटी है और किस तरीके से हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और सीख लेके हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पार्ट टू में भी हम रतन टाटा साहब की सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे, साथ ही साथ में जो हमने अभी डिस्कस किया मेंटल लेवल, यानी शंकर भगवान इतनी विषम परिस्थितियां होते हुए, इतनी सब चीजें साथ होते हुए कैसे वो बिल्कुल शांत है, इसी प्रकार आपको भी कैसे शांत रहना है। अब आप कहेंगे वो तो भगवान है, हम तो इंसान है। रतन टाटा साहब के भी एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगी, बिल्कुल लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, लास्ट में समझाऊंगी कि मेंटल लेवल को भी आपको किस तरीके से प्रिपेयर रखना है, जो कि आपकी सफलता की सीढ़ी बनता है। आइए चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो में आपने पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स पढ़े थे, जिसमें आपने थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर ये सारी चीजें देखी थी, जिसको हमने रतन टाटा साहब के एग्जाम्पल से समझा था और उनसे सीखा था। आज का वीडियो लेक्चर उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट टू। ये तीनों विशेषताएं आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपका व्यवहार, ये तीनों विशेषताएं आपको एक विशेष व्यक्ति बनाती हैं। इन तीनों चीजों से मिलके बनती है आपकी पर्सनालिटी। इन तीनों विशेषताओं से आपकी पर्सनालिटी में चार चीजें और जन्म लेती हैं। क्या क्या चीजें आपकी चार इंक्लूड होती है पर्सनालिटी में, आइए देखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इन तीन चीजों से, सिर्फ मात्र इन तीन विशेषताओं से आपके थॉट, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर, इन तीन चीजों से आपके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे, जो कि आपके एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए पर्याप्त है, व्यक्तित्व को निखारने के लिए पर्याप्त है। इन तीनों चीजों से सारे सद्गुण आपके अंदर आते हैं। वो कौन कौन से सद्गुण होते हैं, कुछ विशेष सद्गुण पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज फिजिकल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है आपका फिजिकल पर्सनालिटी। फिजिकल पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं कि आप सुंदर हैं, आपका रूप रंग कैसा है।
फिजिकल पर्सनालिटी से मतलब है आपके हाव भाव, आपके विचार, आपके उठने बैठने का तौर तरीका, आपकी बात करने का तौर तरीका, ये सारी चीजें आती है आपकी फिजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। फिजिकल पर्सनालिटी डेवलप होती है आपके थॉट से, आपकी फीलिंग से, आपके व्यवहार से। कैसे, आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया, अब आपके मन में जो विचार आ रहा है, देखिए जब आपके यहाँ आपसे कोई मिलने आता है, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, तो दो कंडीशन बनती है। एक होता है जब आप उससे प्रेम से, अच्छे भाव से मिलते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो अगले व्यक्ति को समझ में आता है। सिर्फ मीठा बोलना सब कुछ नहीं होता, बोलने के पीछे छुपे होते हैं आपके अंदर के अपने भाव। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है, आप उसे बकायदा पूरे प्रेम भाव से मिलते हैं, प्रेम भाव से बात करते हैं, अगले व्यक्ति को भी वो चीज पसंद आती है और वो उसको समझ में आता है कि वो सही जगह आया है, आपसे मिलने आया है, ये काम उसने अच्छा किया। बट दूसरी तरफ मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, आप उसे बोल तो रहे हैं आइए, बहुत अच्छा कि आप आए, और मन में सोच रहे हैं क्यों आ गया, मेरा टाइम खराब हो गया। देखिए फर्क पड़ता है आपके सोचने का, आपके समझने का। आप बोल कुछ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट हैं। बेसिकली हमारे हाव भाव, हमारे विचार हमारे अंदर एक एनर्जी को जनरेट करते हैं। यदि विचार अच्छे हैं, हाव भाव अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, हम अच्छा सोच रहे हैं, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता है। और जब आप अगले व्यक्ति से बात करते हैं तो बेसिकली आपकी जो एनर्जी है वो अगले व्यक्ति तक पहुंचती है, एक अच्छी वाइब से अगले व्यक्ति तक पहुंचती है। बट यदि आप मन में विचार कुछ और कर रहे हैं, आपके थॉट्स कुछ और आ रहे हैं, आपकी वही एनर्जी अगले व्यक्ति तक पहुंचती है। फिर चाहे आप मुंह से कितने मीठा बोल रहे हैं, लेकिन अगले पर्सन को आपके हाव भाव समझ में आ रहे हैं। दूसरी बात, उसके मन में आपकी जो छवि बन रही है, जो इमेज बन रही है, वो कैसी बन रही है, ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसलिए आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, पूरे भाव के साथ करिए, आप अगले व्यक्ति पे कंसंट्रेट करिए, आप आई कॉन्टेक्ट करके उससे बात करिए, ताकि अगले व्यक्ति को फील होना चाहिए कि आप उसको अटेंशन दे रहे हैं। आपका अटेंशन ना देना अगले पर्सन को इंसल्ट फील करा सकता है। इसलिए जब भी आप बात कर रहे हैं, पूरे अच्छे विचार के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ अगले नेक्स्ट पर्सन से बात करिए, बाकायदा आई कॉन्टेक्ट रखिए, उसकी बातों को अच्छे से सुनिए। अच्छे बोलने से ज़्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बनिए। ये चीज़ें, ये आपके बोलने चालने का तौर तरीका, आपके उठने बैठने का तौर तरीका डेवलप करता है आपकी फिजिकल पर्सनालिटी को, आपकी फिजिकल पर्सनालिटी को अच्छे बनाती हैं आपकी ये तीन विशेषताएं, इनको हम अभी पढ़ते हुए आए हैं, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल। आप लाइफ में कितने बड़े हो जाएं, आपको अपने अंदर इमोशंस जरूर रखना है। आपको अगले व्यक्ति की, या जो आपके करीबी हैं या आसपास के लोग हैं, उनकी हमेशा परेशानी, उनकी परेशानी, उनकी मजबूरियां आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो आपको उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का जरूर निर्वाह करना चाहिए, जरूर निभाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं अपने लेवल पर। जैसा कि फीलिंग्स में बताया, पढ़ाया था, टाटा साहब के बारे में बताया था कि टाटा साहब ने कि जो नैनो कार आने के पीछे जो रीज़न था, जो फीलिंग्स थी, जो इमोशन था, जो उन्होंने उस मिडिल क्लास फैमिली को स्कूटर पे देखा, और स्कूटर पे देखा कि वो किस तरीके से शरण ले रहा है एक ब्रिज की, किस तरीके से बारिश से बचना चाह रहा है, तो वो चीज़ देख के उनके अंदर जो इमोशंस जनरेट हुए, उन इमोशंस ने उनके अंदर एक नए विचार को उत्पन्न किया, और नए विचार ने एक नया काम कर दिखाया। इसलिए आपकी पर्सनालिटी में इंक्लूड होते हैं आपके इमोशंस, जैसे कि आप नेक्स्ट पर्सन को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से उसकी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें आती है आपके इमोशंस में। टाटा साहब की सबसे बड़ी इमोशंस के बाद अभी हमने देखी, जब हम कोरोना की बीमारी से जूझ रहा था पूरा देश, तब टाटा साहब ने 1500 करोड़ डोनेट किए थे, और भी कई बिजनेसमैन ने डोनेट किया है, बट हम अभी उनकी बात नहीं करें, हम अभी टाटा साहब का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो टाटा साहब ने 1500 करोड़ रुपए देश को डोनेट किए हैं कोरोना वायरस की कंडीशन से लड़ने के लिए। तो ये चीज़ें आती हैं आपके इमोशंस में, आपके इमोशंस अच्छे होंगे तो वो जरूर आपसे एक अच्छा काम करवाएंगे।
क्योंकि बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बड़े मन वाला होना बड़ी बात है। मन हमेशा आप अपना बड़ा रखिए, इसमें आप सबके बारे में सोच सकें, सबके बारे में कुछ कर सकें, कुछ समाज को अच्छा दे सकें और समाज के बारे में कुछ अच्छा सोच सकें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है सोशल। हमेशा सोशल बनिए, समाज को कुछ अच्छा देने के बारे में सोचते रहिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते रहिए, सबके बारे में, सबके हित का ख्याल रखिए और सबके हित के बारे में कुछ करते रहिए। सबके लिए हित में करेंगे, आपका हित अपने आप होगा, क्योंकि जो आप प्रकृति को देते हैं वही प्रकृति से आपको मिलता है। टाटा साहब बहुत ही सोशल व्यक्ति हैं, उनके अंदर जो अभी हमने बात की थी इमोशंस, कि वो समाज के लिए कितना सोचते हैं। जब आपके अंदर इमोशंस अच्छे आते हैं, जब आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हो, सबके दर्द को, सबकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हो, तो आपके अंदर विशेषता आती है और वो है सोशल। जब इमोशंस अच्छे होंगे, आप सबके बारे में सोचेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर आप सबके बारे में सोच रहे हैं तो आप सबकी मदद जरूर करेंगे। यदि आप फील कर सकते हैं किसी की परेशानी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बात आती है कि हम इसकी परेशानी को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपका बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तभी है जब आप सोशल बनते हैं, आप समाज के बारे में सोचते हैं, समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, समाज को जो कुछ अच्छा देने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, वो चीज़ बनाती है आपको सोशल, और वही चीज़ आपको बड़ा बनाती है, महान और आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है मेंटल। आप अपने मेंटल लेवल पे कितना स्ट्रांग है, देखिए ये बात अभी हमने जब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर, यहाँ पे हमने देखा था आप जितना अच्छा फील करते हैं उतने ही अच्छे विचार आपके बनते हैं, विचार आपके बनते हैं आपके दिमाग में। जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना शांत मन अपना रखेंगे, उतना ही अच्छा आप कुछ सोच पाएंगे, उतना ही अच्छा आप कुछ कर पाएंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज आती है आपका मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस आपका एकदम सही होना चाहिए। मेंटल स्टेटस के लिए हम बात करें तो सबसे पहली चीज सीखनी थी तो वो ये, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को मन लगा के करें, अपने दिमाग से सही सोच कर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए आप बात किसी और से कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, टॉपिक आपका दूसरा है मुंह पे लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट चीजें आपकी पर्सनालिटी को शो करती हैं, आपकी एक डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी बनाती हैं, जब आप बोलते कुछ हैं सोचते कुछ हैं। तो जितने अच्छे आप मेंटली स्ट्रांग होंगे उतनी अच्छी पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी, आपका मेंटल स्टेटस हमेशा आपकी पर्सनालिटी को शो करता है कि आप किस तरीके के विचार रख रहे हैं, किस प्रकार सोच रहे हैं, क्योंकि आपके विचार, आपकी समझ, आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपका आचरण ही आपकी पर्सनालिटी को बनाता है। तो जब आपकी मेंटल स्टेटस अच्छा होगा, आप दिमाग से अच्छा सोच पाओगे, शांत मन रखोगे, शांत दिमाग रखोगे, तो उसमें विचार भी अच्छे आएंगे और विचार आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी बनाएंगे। जैसा कि हमने टाटा साहब का भी उदाहरण देखा कि जो यहाँ भी वो आज हैं, उस सब की, उन सब चीजों की जननी, उस सफलता की जननी उनके विचार थे। सबसे पहले जो उनका थॉट आया कि मुझे एक कार इंडिया के लिए बनानी है, उसने टाटा साहब को एक महान टाटा साहब बना दिया। उनके इस व्यक्तित्व ने उनको महान बना दिया, उन्हें एक भारत रत्न बना दिया। पर्सनालिटी यदि आपको अपनी इम्प्रूव करनी है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, तो आपको इन पॉइंट्स पे वर्क करना होगा जो कि हमने अभी डिस्कस किए। फर्स्ट इज थॉट्स, आप अच्छा विचारें। सेकेंड इज फीलिंग्स, आप अच्छी फीलिंग्स लाएं अपने अंदर। थर्ड वन इज बिहेवियर, कि आप सबके साथ एक बहुत अच्छा बिहेवियर करें, जिसके एग्जांपल्स हमने टाटा साहब से सीखे हैं। नाउ नेक्स्ट, आपकी जो पर्सनालिटी, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंक्लूड। एक्चुअली में जो आपके थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो बिहेवियर है, वो छोटे लेवल पर नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्रॉड लेवल पर। बड़े लेवल पर सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा फील कीजिए। तो जब आपके विचार एक बड़े लेवल पे होंगे, बड़े लेवल पे आप यानी समाज के लेवल पे आप कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो ये चीजें आपका एक अच्छा व्यक्तित्व बनाएगी, आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी। क्योंकि एक अच्छी पर्सनालिटी में आपकी इनर क्वालिटीज के साथ साथ और भी कई सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जो कि आप समाज को देखकर फॉलो करते हो। देखिए ये चीजें तो होगी वर्क खुद के ऊपर, कि आप खुद के ऊपर वर्क करिए। जब आप खुद के ऊपर वर्क करेंगे, एक अच्छे लेवल पर सोचेंगे, तो फिर चार जो और भी चीजें इंक्लूड होंगी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगी। फिजिकल, यानी आपको
फिजिकल लेवल पे भी एकदम फिट रहना है, आपकी पर्सनालिटी फिजिकल लेवल पे भी एकदम फिट होनी चाहिए। बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर रखिए, आई कॉन्टैक्ट रखिए, अच्छे से बात करिए, क्योंकि आपका अच्छे से बात करने का, आपका उठने बैठने का तौर तरीका डेवलप करता है आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी। फिजिकल पर्सनैलिटी जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे तरीके से आप बात करेंगे, अगले को ट्रीट करेंगे, उतने ही अच्छे से अगला व्यक्ति भी आपको ट्रीट करेगा। नेक्स्ट, यदि हमने यहाँ पे पढ़ा अच्छी फीलिंग्स अच्छी रखिए, तो जो आपकी जो अच्छी फीलिंग्स है वो जनरेट करती आपके इमोशंस। आपके अंदर हमेशा इमोशंस होने चाहिए समाज के प्रति, समाज की परेशानियों के प्रति, क्योंकि आपका बड़ा बनना तभी सफल है जब आप समाज को कुछ अच्छा देते हो। नेक्स्ट हमने देखा सोशल, कि आप अपनी पर्सनालिटी में सोशल बनिए, आप सामाजिक बनिए, आप अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करिए सोशल वर्क, आप समाज के बारे में सोचना शुरू करिए, समाज को कुछ अच्छा देने के बारे में सोचना शुरू करिए। एंड नेक्स्ट बनाता है मेंटल, आप मेंटल रूप से भी स्ट्रांग रहिए, आपकी मेंटल पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कई बातें मायने रखती हैं, कि एक आता है आपका क्विक डिसीजन, कि सही डिसीजन लें। मेंटल स्टेटस में आता है कि आप कभी विषम परिस्थितियों में फंस जाए तब भी आपका निर्णय गलत नहीं होना चाहिए। मेंटल स्टेटस का एक एग्जांपल हम टाटा साहब से और सीखते हैं। एक समय की बात है जब टाटा इंडस्ट्री सक्सेस नहीं पा रही थी, थोड़ा सा लॉस में जा रही थी, उस समय उन्होंने फोर्ड कंपनी से बात की, मीटिंग बिठाई और उनसे बोला कि आप कुछ खरीद लीजिए हम लोगों से ताकि हमारी मदद हो सके। उस समय फोर्ड के मालिक ने टाटा साहब से कह दिया, यदि आपको बिजनेस चलाना ही नहीं आता था तो आपने बिजनेस खड़ा क्यों किया। ये वाली बात टाटा साहब को बहुत बुरी लगी, पर उस समय उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्होंने अपने मेंटल लेवल को एकदम शांत रखा, उन्होंने अपने माइंड को एकदम शांत रखा और उन्होंने कुछ क्विक डिसीजन लिया उसी समय ये वाली बात सुन के। उनका डिसीजन क्या लिया मैं अभी आपको बताती हूँ। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये वाली बात सुन के वो शांत हो गए और उन्होंने जो बेचने का फैसला ले रहे थे कि हम कुछ ऐसा बेच देते हैं जिससे हमारे हाथ में पैसा आ जाए और हम कुछ आगे कर सकें, ये प्लान उन्होंने तुरंत कैंसिल किया। उन्होंने कुछ भी बेचा नहीं, उनको कुछ भी नहीं दिया और डील वहीं के वहीं कैंसिल कर दी। डील कैंसिल करने के बाद टाटा साहब अपनी कंपनी में वापस आए और अपने एम्प्लॉय से कहा कि हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है। टाटा कंपनी ने फिर से जी तोड़ मेहनत करी, कुछ 10 साल के करीब का समय बीता था और आप सभी जानते हैं वक्त तो सबका बदलता है। अगले 10 सालों में फोर्ड कंपनी का मालिक जो टाटा साहब से कह रहा था कि आपको बिजनेस नहीं आता था तो आपने चलाए क्यों, 10 साल के अंदर अंदर फोर्ड कंपनी की हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने बोला कि आप हमसे कुछ सामान खरीद लीजिए ताकि हमारी मदद हो सके। देखिए यहाँ पे महान इंसान की पहचान, कोई भी चीज देना या किसी की भी मदद करना सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। टाटा साहब ने बड़े सम्मान पूर्वक फोर्ड कंपनी के ऑनर की मदद करी और फोर्ड कंपनी के ऑनर ने स्वीकारा कि हाँ, आपने हमसे सामान खरीद के हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तो ये जो कंडीशंस बनी कि एक समय टाटा साहब कुछ बेचना चाह रहे थे और उन्होंने उस डील को कैंसिल किया, खुद की मेहनत करी, एम्प्लॉय से बोला, मेहनत करवाई और फिर एक समय आया, वक्त बदला, तो वही फोर्ड कंपनी से उन्होंने सामान खरीदा। यानी उन्होंने वक्त बदल दिया, उन्होंने हालात बदल के दिखाए। इसलिए हमेशा शांत मन से, शांत दिमाग से हर चीज सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए और अपनी बेइज्जती का जवाब कुछ इस तरीके से देना चाहिए जैसे टाटा साहब ने फोर्ड को दिया। तो ये चीजें आती हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो कि हमें सीखने मिलती है रतन टाटा साहब से। यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो टाटा साहब की इन बातों को जरूर सीखना चाहिए और उनकी इस पर्सनालिटी को, उस व्यक्तित्व का हमें अनुकरण जरूर करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।